वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम बनाने लगे हैं ब्रेकफास्ट प्याज और अंडा। ये मैंने प्याज चॉप करके डाल दिया है और इसमें ऑयल भी डाल दिया है, पानी भी डाला है। ये थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सभी पे हम बनाने लगे हैं जी रोटियां, तो चले अब हम रोटियां बनाते हैं साथ साथ। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की रूटीन है, आप देखते जाएं। तो चलें अब हम साथ साथ ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं, ठीक है? आप देखते जाएं। अब हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे, लेट्स गो स्टार्टेड, ठीक है? मैंने ये आटा गूंद लिया था और मक्खन इसी के अंदर डाल दिया था और फिर मैंने आटे को गूंदा था, ओके। तो इसलिए मुझे अब ऑयल डाल के तो इसको पराठों जैसी जो शेप होती है वो देने की नीड नहीं है, ओके। तो अब हम इसको जैसे पराठा की शेप देते हैं वैसे मैं बनाने लगी हूँ, ठीक है? आप देखेंगे फिर हम पराठा रेडी कर लेंगे, ठीक है? तो आई होप कि आप को मेरा ये जो ब्रेकफास्ट ब्लॉग है, थोड़ा सा जो रूटीन है वो पसंद आई होगी, ठीक है? चलो जी, स्टव को मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, चूल्हे को ऑन कर दिया हुआ है, ठीक है? वो गर्म भी होने वाला है तो हम जो है वो पराठा ऊपर अब डालेंगे, ठीक है? तो हमारा जो पराठा है वो आप देखेंगे रेडी हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा, ठीक है? ये देखेंगे, ये हमारा पराठा है। अब हम इसको तवे के ऊपर डालते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है? सॉरी, ये देखिए जी, ये मैंने आई होप का आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं। हाँ जी, आई होप, देखिए मैंने पराठा ऊपर डाल लिया हुआ है, अब मैं इस पर ऑलियो लगा दूँगी, ठीक है? बहुत अच्छा सा नरम सा सॉफ्ट सा पराठा बन जाता है बच्चों के लिए, ठीक है? तो इधर जो मैंने उनियन रखा हुआ है आप ये देख सकते हैं, निकल रहा है। कुछ लोग पानी नहीं डालते, डालते नहीं और वैसे ही बना देते हैं, ठीक है? तो हम डाल के बनाते हैं क्योंकि बच्चों के लिए बनाना होता तो गला हुआ ही अच्छा लगता है, ठीक है? अब हमारा पराठा रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में जी। ऑलमोस्ट ये मेरा पराठा रेडी हो गया है। इस तरह से मैं सारे, इतना मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ, आपने देखा दूसरी साइड पे थोड़ा सा ऑयल है, बड़ी साइड पे ज़रा ज़्यादा है, अंदर भी डाला हुआ है, पराठे गर्म भी है, पराठे भी बन रहे हैं और जायके का जायका भी है। तो चले अब जैसे ही सारे रेडी हो जाता है ब्रेकफास्ट पराठा, मैं आपको बाद में मिलती हूँ और दिखाती हूँ फाइनल लुक, ठीक है? फिर जी ऑलमोस्ट हमारे पराठाज रेडी हो गए हैं, ठीक है? मैंने 3 पराठा रेडी कर लिए हैं, ओके। तो 3 मुझे चाहिए थे और अब हम बना रहे हैं जो प्याज अंडा, वो भी रेडी हो जाता है, वो रेडी नहीं हुआ, वो चूल्हे के ऊपर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बस मुझे रेडी होने वाला है, तो जी फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि वाटर ड्राई हो चुका है, मैंने साल्ट और ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाला है, ठीक है? तो बिल्कुल बहुत लाइट जो है वो नमक मिर्च करते हैं तो ब्लैक पेपर है, इसलिए आपको जो है वो काफ़ी नज़र आ रहा होगा। और साथ में डाल दिया है थोड़ी सी टर्मरिक को ड्राई करके, ये पोजीशन है, इसको हम एग और जो है वो ग्रो करके तो ऐड कर देंगे, ठीक है? जिसको ने एग चलिए देखिए, मैंने एग जो है वो तोड़ के डाल दिया है, तो बस अभी मैं इसको पका रही हूँ, जैसे पक के रेडी हो जाता है मैं इसको डिस्कस करती हूँ और आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? हमारा जो एग है वो रेडी हो चुका है, ब्रेकफास्ट हमारा टोटल रेडी है। ये देखिए, ये मैंने रोटियाँ इसमें रख दी हैं, तो ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।